छात्र युवा संवाद के तहत इमामगंज के टाउन हॉल में युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा, जिसमें छात्र अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हुए अपना सारा गुस्सा राजनीतिक नेताओं पर फोड़ रहे थे। बिहार का सबसे अंतिम बॉर्डर और सुदूरवर्ती इलाका होने के बावजूद इमामगंज विधानसभा क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित है, जो दुर्भाग्य ही कहा जा सकता। इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार तीनों प्रखंड में शिक्षा और रोजगार के अभाव में नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी तक इस क्षेत्र में विकास हेतु न कोई कल कारखाना, सिंचाई की व्यवस्था, यातायात की सुविधा, रेल मार्ग, उच्च शिक्षा की व्यवस्था है और न ही डिग्री या मेडिकल कॉलेज और ITI की व्यवस्था। विकास को लल्लाहित युवा अपनी भड़ास निकाल रहे थे। तो उसका हकदार आपका है कि आप फसल आप काटेंगे और बिक्री भी उसी बाजार में आप करेंगे, लेकिन जो हमारे नेतागण हैं वो फसल यहाँ काटते हैं लेकिन रोकते नहीं हैं। उसमें मजबूर हम लोग हैं कि हम लोग फसल को काट कर उनको बेचने कहीं और देते हैं। इसलिए आज जो मीटिंग हुआ उसमें बहुत से सवाल आए कि लोकल विधायक को चुना जाए। तो इसके लिए हम ये कहना चाहूँगा कि जो भी बाहरी विधायक यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी अपना कहीं घर होगा, चाहे धान रोपते हैं वो अपना घर पे धान रोपे, अपने घर पे धान काटे। यहाँ का धान हम रोपेंगे जमीन में और यहाँ का फसल हम काट कर अपने बाजार में बेचेंगे। कुछ जब सीखते हैं तभी उसके बारे में लोग सोचते हैं कि भाई ये जब भुगत कर सीखे हैं तो इसका कुछ निदान भी किया जरूरी है। जब भूख लगता है तभी खाना की जरूरत पड़ता है। तो हम बहुत से ऐसे समस्याएं देखे कि समस्या है लेकिन उस चीज़ को लोग बोल नहीं पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं जितने हमारे नेताएं लोग हैं उनसे कि आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास में है, आप पूछिए तो सही। मंच आपका होगा, समय आपका होगा, सवाल मेरा होगा। धन्यवाद मैं आपका भी करना चाहूँगा क्योंकि आपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे इस छात्र युवा संवाद कार्यक्रम को आप जो है इसे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारे कार्यक्रम है छात्र युवा संवाद कार्यक्रम, और इसकी पहल जो है से हम और हमारे मित्र कुणाल कुमार जी, रणधीर कन्हैया और भी साथी लोगों ने मिलकर के किया, और यह कार्यक्रम जो है से आज कहीं ना कहीं सफल दिखाई दे रहा है क्योंकि करीब करीब पहले ही मीटिंग में हम लोगों ने 300 से 400 तक जो है से छात्र युवाओं को इकट्ठा करने का काम किया और हमारी जो है पूरी तरह से बैठक सफल रही। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, जो यहाँ पे जितने भी युवा और छात्र इकट्ठा हुए अपनी अपनी समस्याओं को बोले और हम लोगों ने उसको नोट डाउन करने का काम किया है। और नोट डाउन करने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि उस समस्या को उठाएं और उसको जो है सोल्यूशन करवाने का काम करें। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और जो है यहाँ पे जितने भी जो है अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा इस बैठक में जितने भी समस्या को सबसे ज़्यादा समस्या की बात आई तो युवाओं छात्रों ने रखा कि यहाँ का विधायक जो है क्षेत्रीय होना चाहिए, ये पहला सवाल उठ कर के आया। सबसे ज़्यादा बार अगर सवाल पूछा गया तो ये पूछा गया कि छात्र और युवा एकता मंच क्या ये आवाज़ उठाएगी कि इस बार जो है क्षेत्रीय विधायक हो। तो ये तो खैर हम लोग अब बाद में इस पर बात करेंगे, हम लोग एक समीक्षा बैठक भी बहुत जल्द ही रखने जा रहे हैं। और भी समस्या है कि छात्र जो है बेरोजगार क्यों है, युवा लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि दूसरी सबसे बेरोजगारी को रोजगार देने का काम करेगी? जी नहीं, ये संगठन बेरोजगारी को रोजगार देने का काम नहीं करेगी लेकिन बेरोजगारों का आवाज उठाने का काम करेगी। हम लोग जो है सरकार से यह मांग करेंगे कि हम छात्र युवाओं को जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और जो युवा बेरोजगार हैं उनको जो है जॉब देने का काम करें। ग्रीन एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।